बक्सर के सारिमपुर में हुए मजहर उर्फ सोनू हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आवास के समीप ही मजहर उर्फ सोनू को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनका पटना में इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हो गया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मंगलवार की शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। हालांकि इस घटना के बाद घायल युवक का पटना में इलाज चल रहा था, इस वजह से इस मामले में परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई थी। इसी बीच गुरुवार को युवक का इलाज के दौरान ही निधन हो गया, जिसके बाद बक्सर पहुंचे परिजनों ने मामले में पुलिस को जानकारी दी कि मामले में दो अभियुक्त शामिल हैं, जिसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान तेज किया। अनुसंधान के क्रम में हत्याकांड में कई और नाम भी उजागर हुए। हालांकि अभी केवल एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, उसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों के नाम भी इस हत्याकांड में सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। इस विषय में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हत्यारों की पहचान करने के बाद पुलिस सर्वप्रथम उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है और उम्मीद है कि पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी और मामले का उद्भेदन भी कर देगी। इसके पूर्व एसडीपीओ ने बताया था कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। बहरहाल यह माना जा रहा है कि आगामी 24 घंटे में मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।